वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए एक वुलन ड्रेस। बड़ी प्यारी सुंदर सी ड्रेस है, जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है और देखने में वो ड्रेस बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें और गोपाल जी को रिझा सकें। तो देखते हैं वो ड्रेस कैसी है। फ्रेंड्स, ये हमारे गोपाल जी की ड्रेस, ये देखिए। ये मैंने 3 नंबर गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाई है, लेकिन मेरा जो घेरा है इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। तो ये जो घेरा है आप 5 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए बड़े आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला, क्योंकि 3 नंबर ड्रेस का घेरा तो सिर्फ 6 इंच का होता है, इतना ही, और ये थोड़ी ज़्यादा बन गया। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने चोली बनाई है। चोली के बाद यहाँ पर 7 राउंड बनाने के बाद ये मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप छोटी ड्रेस बनाते हैं 3 नंबर की, तो सिर्फ आप 4 राउंड ही बनाने के बाद ये डिज़ाइन बनाइए। और 3 नंबर के लिए तो मैंने आपको 4 राउंड बता दिए। अगर आप उससे छोटी ड्रेस बनाते हैं तो आप घेरे का ये वाला, यहाँ से ये वाला पोर्शन है, ये राउंड कम कर दीजिए। और 5 नंबर के लिए अगर आप बनाते हैं तो 7 रो आपके लिए काफ़ी रहेगी गोपाल जी के लिए घेरे के लिए, क्योंकि इसका घेरा तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें 2 कलर का यूज़ किया है। ये हमारा थोड़ा पिंकिश कलर है, थोड़ा गाजरी जैसा पिंक है, ये वाइट कलर है। और इसमें मैंने ये थोड़े मोती भी लगाए हैं गोपाल जी को सजाने के लिए, क्योंकि मुझे तो गोपाल जी की ड्रेसेस जो हैं उनको सजाने का बहुत शौक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी गोपाल जी के साथ साथ, और गोपाल जी भी पहनकर इसे बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और आप ये ऑल साइज़ के लिए, फ्रेंड्स ऑल साइज़ का मतलब ये होता है कि आपके गोपाल जी जिस साइज़ के भी हैं, 0 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं, 5 नंबर, 4 नंबर, तो आप ये बनाइए चोली उनके साइज़ की, और उसके बाद घेरा बनाइए। और घेरे में आपको जितना साइज़ है आपका गोपाल जी का, तो आप उससे थोड़ा छोटा ही घेरा बनाइए, कम राउंड बनाइए, और उसके बाद ये आप डिज़ाइनिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने बनाई है, ये फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाया है, लेकिन आप सिंपल घेरा या बॉक्स वाला घेरा जो आपको अच्छा लगे आप वही बनाकर इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो ये देखिए, देखने में और बनाने में बहुत ही, ये बनाने में बहुत आसान है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। आप लोगों को लग रहा होगा ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही आसान है। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्रोशिया लिया है, ये क्योंकि मेरी ऊन थोड़ी ज़्यादा पतली है, 1.75 mm का है, तो ये आप 12 नंबर का क्रोशिया भी ले सकते हैं। और ये जो मेरी वर्धमान की वूल है, लेकिन ये थोड़ी सी पतली है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 नंबर साइज़ की चोली बना ली है। और इसका जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और स्क्रीन पर भी मैंशन मैं कर दूँगी। और अब देखिए, मैं इसका घेरा बनाऊंगी। तो घेरा बनाने के लिए ये देखिए, जब हम ये वाली चोली बनाते हैं तो हमारे पास टोटल दोनों साइड 5-5 हैं और फ्रंट के हमारे 11 हैं, तो टोटल हमारे 21 हुए। 21 को फिर हमने यहाँ पर, जब ये चेन स्टिच बनाई यहाँ पर, तो मैंने ये 22 बना ली, एक मैंने यहाँ बढ़ा दी थी। तो 22 को फिर हमने एक एवरी चेन स्टिच में हमने 2-2 टाइम बनाया, उस हिसाब से हमारे 42 अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, अगर 22 हमारे ये चेन स्टिच होती हैं तो 22 की 44 हमारी ये यहाँ पर डबल क्रोशिया बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाए हैं 48, हमने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया इसको। तो हमारे ये, हमने फर्स्ट रो में हमारे पास ये 48 डबल क्रोशिया है। 48 डबल क्रोशिया को हमने 12 भागों में बांटेंगे तो हमारे पास 4-4 डबल क्रोशिया होंगे। तो ये देखिए, जब हमारे 48 ये डबल क्रोशिया है, तो अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 चेन स्टिच है हमारी, इसकी 3री चेन स्टिच में हम क्रोशिया वर्क डालेंगे और यहाँ से हम लूप निकालते हुए इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ से 1 2
थ्री, तो थ्री चेन का ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो ये देखिए नीचे से हमारी एक कली के अंदर हमारे चार ये डबल क्रोशिया बनते हैं। डबल क्रोशिया ये हमारे एक चार जो है ये एक कली के लिए हैं। तो उसके लिए ये देखिए एक तो हमारा यहाँ बन गया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, और चौथे को ये देखिए जो यहाँ से हमारा वन टू थ्री ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए आप ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम ये देखिए यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, और नीचे से जो हमारा फोर्थ होगा ये देखिए यहाँ पर हमने ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, और ये हमारा यहाँ से ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, उसके बाद एक दो तीन और ये चौथा, ये जो हमारा फोर्थ जो हमारा है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे ऐसे, और इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप से होगा, और इसी तरीके से हम ये पूरा जो हमारा घेरे का सेकंड रो है इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सेकंड रो के हम लास्ट में आ गए, और तीन तीन हमने ये ऊपर डबल क्रोशिया के बाद एक फ्रंट पोस्ट बनाया है, यहाँ नीचे से हर चौथा जो डबल क्रोशिया उसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। तो ये देखिए अब हमने ये फ्रंट ये यहाँ पर तीन हमने ये डबल क्रोशिया हो गए, तो चौथे को हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया, और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो तीन चेन का एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया था इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसकी तीसरी चेन में। तो ये हमारा सेकंड रो घेरे की कंप्लीट हुई, और यहीं से हम फिर से ये तीन चेन बनाएंगे, और तीन चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा। अब हम जो ये तीसरा हमारा डबल क्रोशिया इसको हम टू टाइम बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए, और अब ये फ्रंट पोस्ट वाला है इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, ये क्योंकि फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे तीन डबल क्रोशिया है, लेकिन अब हमारे बनेंगे तीन के चार क्योंकि हमें घेरे को बढ़ाना है। तो ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा, तीसरे को हम यहाँ पर थर्ड चेन में हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम फ्रेंड्स हम अपना घेरा आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे पहले हमारे पास तीन थे फ्रंट पोस्ट के बीच में, फिर चार होंगे, फिर पाँच, फिर छः, जितना हमें चाहिए जो भी आपको चाहिए वो आप उसी हिसाब से इसको घेरे को बना सकते हैं। तो मैं घेरा कम्प्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसका घेरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में हमारे पास घेरे की 48 डबल क्रोशिया थे, फिर हमने ये फ्रंट पोस्ट वाला ये घेरा बनाया। फ्रेंड्स आप जो अब मैं डिज़ाइन बनाऊंगी उसके लिए आप कोई भी घेरा बना सकते हैं। तो मैंने 7 राउंड कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर मेरे इस में दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में यहाँ पर ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ कितने डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 डबल क्रोशिया है दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में। तो अब हमने ये यहाँ से मैंने कट कर दिया, और यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। मैं फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ कि भई ये जो घेरा है ज़रूरी नहीं है इस डिज़ाइन के लिए आप यही घेरा बनाएं, आप कोई और घेरा भी बना सकते हैं। फ्रंट पोस्ट तो ये है ही, आप ब्लॉक बना के यानी कि हमारा जो बॉक्स वाला घेरा होता है वो भी बना सकते हैं, और प्लेन घेरा सिंपल घेरा जिसे कहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, और आप ये जो डिज़ाइन है आप ऑल साइज़ के लिए, मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ ये ऑल साइज़ का मतलब होता है सभी साइज़ के लिए, चोली बनाइए फिर घेरा बनाइए और घेरा बनाकर ये आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए हम यहीं से अपना क्रोशिया हुक डालेंगे, यहाँ से कहीं से भी डाल लीजिए फ्रेंड्स ऐसे, और हम सेकेंड कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने सेकेंड कलर यहाँ ज्वाइंट कर दिया, अब यहीं से 1 2 3, ये तीन चेन का हमारा एक ये
डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से वन डबल क्रोशिया। तो ये हमने एवरी चेन के अंदर वन वन टाइम डबल क्रोशिया बना लिए, टोटल हमारे ये चार बने। चार के बाद ये देखिए हम वन टू थ्री फोर चेन बनाएंगे और फोर चेन बनाने के बाद नीचे से एक चेन स्टिच यहाँ से स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उड़ा लेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से वन डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए। फिर से यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर चेन बनाएंगे और यहाँ से एक चेन स्टिच स्किप करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट में हम क्रोशिया हुक डालकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमने ये एक बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए। चार डबल क्रोशिया के बाद वन टू थ्री फोर चेन, फोर चेन के बाद फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। ये टोटल हमने बनाए यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर तीन ही बनाने हैं हमें, ये देखिए। तो एक बार हमें चार बनाने, एक बार तीन बनाने, एक बार चार बनाने, तीन बनाने, फोर थ्री फोर थ्री, और बीच में हमने ये चार चार चेन के ये लूप बन गए, स्पेस बन गया हमारा। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। ये तीन बनाए, फिर चार चेन बनाई, फिर हमने चार डबल क्रोशिया, फिर हमने चार चेन बनाई। और ये देखिए अब यहाँ भी चार डबल क्रोशिया, यहाँ भी चार डबल क्रोशिया, तो बीच में हमें तीन बनाने हैं। तो ये देखिए हमें स्पेस, ये एक चेन स्टिच यहाँ से स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो ही चेन स्टिच बची हैं, एक हमें यहाँ स्किप भी करनी है। तो ये वाला जो हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, सेम चेन स्टिच में हम टू टाइम बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट ठीक से हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये तीन डबल क्रोशिया हो गया, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर चेन बना लेंगे और ये यहाँ से एक स्किप मैंने काउंटिंग करके छोड़ ही दिया था, स्किप कर देंगे इसको। और यहाँ पर ये जो तीन चेन का हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम क्रोशिया डाल के इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अभी कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, अब हमें जो वर्क करना है इसके अंदर करना है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए अपना वर्क करेंगे। ये ऐसे स्लिप स्टिच बनाते हुए, ये देखिए ऐसे हम स्लिप स्टिच यहाँ बना रहे हैं, बनाते हुए यहाँ पहुँच, ये देखिए यहाँ पर। ये अब हमें जो वर्क करना है, ये जो हमारे चार चार चेन के लूप हैं इनके बीच में, इसमें करना है। तो यहाँ पर वन टू थ्री, ये हम सॉरी यहाँ पर हम टू ही चेन बनाएंगे, एक तरह से ये एक डबल क्रोशिया है हमारा। और यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे ये फोर डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर वन टू चेन्स बनाएंगे और टू चेन बनाने के बाद इसके बीच में फिर से यहीं पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, ये तीन, ये तीन डबल क्रोशिया हो गए हमारे और ये चार। टोटल हमारे ये इसके बीच में आठ, हमारे टोटल एट डबल क्रोशिया, बीच में सेंटर में यहाँ टू चेन। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये देखिए हमें नेक्स्ट में फिर से हमें यहाँ पर चार डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया, टू चेन, फोर डबल क्रोशिया, इसी के बीच में सेंटर में ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से ये फिर से हमारे पास फोर डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम चार चार
डबल क्रोशिया के बीच में ये दो चेन बनाएंगे और अपने वर्क को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। यहाँ भी हमने दो चेन बना ली और दो चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम यहाँ चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट किए और इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, और यहीं पर 1, 2, 3, ये 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया। यहाँ एक चेन और बनाएंगे, ये हम यहाँ पर एक चेन हमने यहाँ और बना ली। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर सॉरी ये एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बने हैं और बीच में हमने एक चेन बनाई है और फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इसके अंदर ये जो दो चेन का हमारा स्पेस है इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और बीच में एक एक हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे। एक एक चेन का हम यहाँ पर बनाते जाएंगे और यहाँ इसी के अंदर हम यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये देखिए इसके अंदर अब ये एक चेन और यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 4 के ऊपर हमारे 4 बन गए और इसके अंदर भी हमारे 4 बन गए। ऊपर हमने एक एक चेन का चेन बनाई, इसके बाद फिर एक चेन और ये जो हमारे 4 हैं यहाँ पर इसके ऊपर भी हम 4 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक एक चेन बनाएंगे। ये दूसरा एक चेन और ये तीसरा एक चेन और ये फोर्थ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा ये एक ऐसे बन गया और फिर से फ्रेंड्स हम एक चेन बनाएंगे और 4 के ऊपर ये देखिए यहाँ पर 4 के ऊपर हम 4 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फर्स्ट एक चेन, ये दूसरा एक चेन, ये तीसरा डबल क्रोशिया एक चेन, ये फोर्थ डबल क्रोशिया 1 चेन और इसके अंदर फिर से फ्रेंड्स हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर एक एक चेन बनाएंगे। एक चेन, ये 3 बन गए और ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया एक चेन। और इसी तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इसको बनाया है इसी तरीके से हम इसको पूरे को राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क करते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पर भी हम एक चेन बनाएंगे, देखिए, और फिर नेक्स्ट जो हमारा चेन स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन बनाकर ये देखिए हम लास्ट में पहुंच गए हैं। इसकी ये जो तीसरी चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए इसे ऐसे लूप निकालेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क यहाँ पर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स और यहीं से अब हम कट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा देखने में वर्क कुछ इस टाइप का है। तो ये देखिए अब हम ये वाला हमारा जो हमने सेकंड कलर लगाया था ये हमारा कंप्लीट हो गया इससे वर्क। अब हम वाइट कलर से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से इसको कट किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोती वाइट ऊन के अंदर कुछ पिरो लिए। ये मेरे 8 mm के पर्ल हैं और ये इसमें मैंने सुई से यहाँ पर इनको डाल लिया है। तो ये देखिए अब हम अपना वर्क जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने इसको कट किया है फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान देना है ये जो हमने अब ये देखिए जब हम इसको ऐसे करेंगे इनको ऐसे तो बीच में हमारा ये वाला स्पेस है। तो यहाँ से ये हमने इसको कट किया है और ये मेरे पास यहाँ स्पेस है। ये इसके जस्ट ऊपर
ये देखिए, ये हमारा इसका, इसके बाद ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ से ये जो स्पेस है, इसके बाद ये 1 2, यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा वाइट कलर है, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगी। ये देखिए, यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन, और 3 चेन के बाद सेम जिसमें हमने ये यहाँ पर, इसी के अंदर हम फिर से, ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया, इनके बीच में फिर से यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर 1 2 3 3 हम चेन्स बनाएंगे, और सेम इसी के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, ये 3 चेन बना ली हमने, और यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमने इस टाइप से, हमने ऐसे ही ये वाला वर्क करना है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ तक करना है। ये देखिए, हमारा ये जो सेंटर होता है 2 चेन का, इसके बीच में हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 2 इधर और 2 इधर, यहाँ पर हमने मोती लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक डबल क्रोशिया सेंटर वाले जो 2 चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर हम इसके अंदर, ये देखिए, हमारे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि ये हमारा सेंटर है। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया जो टोटल है हमारे, 2 इधर रख लीजिए, 2 इधर रख लीजिए, बीच में हमने यहाँ पर पर्ल लगाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हम ये पर्ल ऐसे आगे कर लेंगे, इसको ऐसे, और यहाँ से, ये देखिए, ऐसे करके, ये जो हमारा वूल है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसे, और इसके अंदर हम क्रोशिया उग डालेंगे, और यहाँ से लूप निकालते हुए ये सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर ये पर्ल इस तरीके से सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, फिर से हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन स्टिच, और फिर सेम इसी के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, और फिर 1 2 3 चेन्स, और फिर सेम इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लगाया था, उसके बाद हमने वर्क करते हुए, ये हमारी एक डिज़ाइन का पार्ट है, और ये देखिए, हमने दूसरे में भी ऐसे ही पार्ट में ये वर्क किया है। ये देखिए यहाँ, और इसके ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए, दोबारा से ऐसे हमने वर्क किया, यहाँ पर लगाया, ऐसे हम वर्क करते हुए, और फिर हम एक जो हमारा पैटर्न है, इसके यहाँ तक, सेंटर तक हमने ये वर्क कंप्लीट किया। तो ये देखिए, ऐसे आप इसके यहाँ तक ये हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हम यहीं से ऐसे लूप छोड़ देंगे, और अब हम यहाँ से, ये देखिए, ये पर लगाया, इसके बाद यहाँ ये हमारा सेंटर है, सेंटर के बिल्कुल ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला, इसके यहाँ पर क्रोशिया हुक ऐसे हम डालेंगे, और इस तरीके से हम लूप निकालते हुए इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे ये लूप ऐसे हमने निकाल लिया, इसको थोड़ा टाइट। अब नेक्स्ट में हम क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से 1 2 3, और फिर इसी के अंदर सेम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से फ्रेंड्स, 1 2 3, और ये सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का होगा, और जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाकर, और मैं आपको अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करके, क्योंकि इसमें हमने पर लगाना है, इसमें हमने फिर इसके बाद यहाँ ये ऐसे वर्क करते हुए आएंगे यहाँ तक हम, तो मैं यहाँ आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर लगाया था, फिर हम वर्क करते हुए इस तरीके से यहाँ तक, ये जो सेंटर है इसका, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब मैंने यहाँ पर ये लूप छोड़ दिया है,
ये देखिए सेंटर के बिल्कुल जस्ट ऊपर कंप्लीट करके अपना वर्क, तीन चेन और सिंगल क्रोशिया, फिर ये मैंने लूप छोड़ दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर ये देखिए ये हमारा सेंटर, सेंटर के ऊपर जस्ट यहाँ इसके यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए ये हमारा वर्क, ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर, सेंटर के हम यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और ये जो हमारा लूप है ये इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए अब यहीं से फ्रेंड्स अब हम ये देखिए जो ना हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके बीच में ऐसे हम डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और फिर 1 2 3 और फिर से इसी में सेम में सिंगल क्रोशिया। और फ्रेंड्स इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये जॉइंट करके बताया है, ये देखिए, ये देखिए अब हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का होगा, ये देखिए। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरा अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हम वर्क करते हुए लास्ट में आके यहाँ भी हमने इसको ज्वाइंट कर दिया और अब ये देखिए यहाँ पर हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन, सेम इसी के अंदर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया और ये जो हमने यहाँ स्टार्टिंग की थी यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए इसे ये लूप निकाल के हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे और यही हमारा वर्क कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और ये देखने में बहुत प्यारी बहुत सुंदर लग रही है और मुझे उम्मीद है आप लोग बड़ी आसानी से इस ड्रेस को बना लेंगे और आपको ये समझ भी आ गया होगा कि कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए। राधे राधे।